अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आपका है सब ग्रुप्स का। ठीक है, सब ग्रुप्स के पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसेट्स क्या होते हैं। देखें, हमारे पास प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है, जैसे एक सेट होता था, ठीक है, उसका एक आप छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन नेचुरल नंबर है, इसमें से आप एक ले लेते हैं पोर्शन उसका 1, 2, 3, ठीक है, इसको हम क्या कहते होते थे, सबसेट है। ठीक है, इसी तरह से एक ग्रुप होता है, डी स्टेरिक भी है ग्रुप। स्टेरिक का मतलब कि कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। एंड एच बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी इफ एच इज इट्सेल्फ अ ग्रुप विद द सेम बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक देन एच इज कॉल्ड सब ग्रुप ऑफ जी। मतलब ये है कि जी ग्रुप था, आपने एक सबसेट लिया, अगर वो सबसेट उसी ऑपरेशन में सारे ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करे तो आप उसको क्या कहेंगे कि वो खुद भी एक सब ग्रुप है। ठीक है, क्या है कि जी ग्रुप था, उसमें ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, एडिशन हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, तो आपने एक सबसेट लिया, अगर वो सबसेट भी सारे ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करता है, मतलब वो खुद भी ग्रुप बनता है, तो आप उसे कहेंगे कि वो सब ग्रुप है जी का। जैसे कि एक ग्रुप है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन, इसका जो सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन इसका सब ग्रुप होगा। ठीक है, इसी तरह सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन है तो उसका सब ग्रुप क्या होगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन। मतलब क्या होते हैं, ग्रुप का एक सबसेट लेते हैं, अगर वो खुद भी जो सबसेट है वो भी ग्रुप हो तो आप उसको क्या कहेंगे कि वो सब ग्रुप है। इसकी टू टाइप्स होती है, एक ट्रिवियल होता है और एक नॉन ट्रिवियल होता है। ट्रिवियल क्या होता है कि हर सब ग्रुप, हर ग्रुप के दो, कम अज़ कम दो सब ग्रुप तो ज़रूरी होते हैं, कोई अगर नहीं और बन रहा तो दो ज़रूरी होते हैं। कौन से होते हैं, एक जी खुद होता है और एक इसके अलावा क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। दीज सब ग्रुप्स आर कॉल्ड ट्रिवियल सब ग्रुप्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल सब ग्रुप्स कहते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था सेट ऑफ फोर रूट्स ऑफ यूनिटी, ये ग्रुप था अंडर मल्टीप्लीकेशन, इसके ट्रिवियल सब ग्रुप्स क्या होंगे, एक जी खुद होगा और एक आइडेंटिटी होगा। फिर बात आती है नॉन ट्रिवियल की, कि एनी सब ग्रुप ऑफ जी अदर देन दीज टू ट्रिवियल सब ग्रुप्स, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स। के जैसे हमने 1 और -1 का ले लिया, एक सब ग्रुप बनाया, तो जो जी और आइडेंटिटी के अलावा आपके पास सब ग्रुप्स बनते हैं उन्हें नॉन ट्रिवियल कहते हैं, और जो आपके पास बनते हैं आइडेंटिटी और वो ग्रुप खुद, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल कहते हैं। अब एक थ्योरम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे आप ये भी प्रूव कर सकते हैं अगर आपने चेक करना हो कि कोई भी सबसेट सब ग्रुप है या नहीं है। क्या स्टेटमेंट है, लेट जी इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, या कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑपरेशन, देन ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी इज़ अ सब ग्रुप इफ़ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू एच, दिस इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। एक तो ये चीज़ है ना कि आपने चेक करना हो कि सबसेट सब ग्रुप है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे। ये है कि सारा हमें चेक करने के बजाय सिर्फ हम एक काम कर लेते हैं कि जी ग्रुप हो तो आप उसके कोई दो एलिमेंट सबसेट के लें, एक सबसेट है, अगर सेकेंड का इन्वर्स और पहले को मल्टीप्लाई करें और वो अगेन एच में चला जाए तो एच सब ग्रुप है। ये बहुत ही आसान तरीका है चेक करने का कि कोई सबसेट सब ग्रुप है कि नहीं। क्या करते हैं हम कि जी ग्रुप है कोई भी, एक उसका सबसेट है आपके पास, आपने कोई दो एलिमेंट्स उस सबसेट में से लिए, सेकेंड का इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट, दोनों को मल्टीप्लाई करें, अगर वो अगेन एच में चला जाता है तो इसका क्या मतलब है कि वो आपके पास क्या होगा, सब ग्रुप होगा। ये बहुत आसान सा तरीका है चेक करने के लिए कि आप लंबा चौड़ा करने के बजाय ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ को चेक करें, आप सिंपल क्या कर सकते हैं, दो एलिमेंट्स लें, सेकेंड का इन्वर्स लें, उससे पहले दोनों को मल्टीप्लाई करें, अगर वो एच में चले जाते हैं सो एच इज़ अ सब ग्रुप। प्रूफ देख लेते हैं, दो चीज़ें उन्होंने दी हैं कि अगर जी ग्रुप है एच सब ग्रुप कब हो सकता है, कि अगर दो एलिमेंट्स लें और सेकंड का इन्वर्स और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करें वो एच में आए, सपोज एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, हमने ले लिया एच सब ग्रुप है, ये चीज़ प्रूफ कर देंगे। सेकंड हम ये चीज़ लेके चलेंगे और प्रूफ करेंगे कि एच सब ग्रुप है। ठीक है, एच सब ग्रुप है तो उसका मतलब है एच खुद भी ग्रुप है, बाय डेफिनेशन हमने यही बताया ना कि सब ग्रुप कब होता है कि अगर वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करे। सो अगर हम दो एलिमेंट्स एच में से लेते हैं, अब हमने कहा है कि एच सब ग्रुप है, थ्योरम की स्टेटमेंट से सब ग्रुप है तो बाय डेफिनेशन वो ग्रुप भी होगा क्योंकि वो सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो अगर दो एलिमेंट्स इसमें से लेते हैं तो जाहिर है ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद होगा, बी का इन्वर्स भी मौजूद है। इसी तरह से ये क्लोज्ड की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा, अगर दो एलिमेंट्स को ग्रुप के हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन ग्रुप में ही होते हैं। अब हम एच को यहाँ कंसिडर ग्रुप किया हुआ है, ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट भी फिर किस में जाएगा, एच में जाएगा।
यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी कि हम लेके चले थे सब ग्रुप और हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी। अब हम कन्वर्सली मतलब इसका उलट करेंगे। इफ़ एंड ओनली का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ है तो दूसरी भी होल्ड करेगी। एक चीज़ हमने प्रूफ की, अब हम दूसरी लेके और पहली प्रूफ करेंगे। तो अब हम कन्वर्सली इसका देखें,